रॉकिंग रेनाटस फ्रेंड्स, मैं एज ए रेनाटस वेलनेस का प्लान आपके सामने शो करूंगा। और हो सकता है कि अगर आप इस तरीके से प्लान शो करेंगे तो आपको रिजल्ट्स आने के ज़्यादा चांस बन जाएंगे। और इस तरीके से किसी भी आप प्रोस्पेक्ट को अगर प्लान करते हैं तो 80% चांस है कि व्यक्ति ज्वाइनिंग देखे जाएगा और तुरंत ज्वाइनिंग देखे जाएगा। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। कंटिन्यू। रेनाटस वेलनेस का हम प्लान शो करते हैं तो फर्स्ट हमको शो करना है किसी भी, अगर हम नए व्यक्ति से बात करते हैं, जैसे हमारे सामने एक स्टूडेंट बैठे हुए हैं, हम स्टूडेंट को इस समय प्लान कर रहे हैं। शुभ नाम क्या लिखते हैं आप अपना? डॉली राजपूत। डॉली राजपूत जी, मैडम करते कहाँ हैं आप इस समय? स्टडी करते हैं। स्टडी करते हैं, बहुत बढ़िया। और स्टडी करनी भी चाहिए, स्टडी करके काफ़ी सारे स्टूडेंट्स अपने इस इंडिया का नाम रोशन कर रहे हैं। मैडम, मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि अगर आपको ऐसा कोई मैं सिस्टम बता दूँ जिससे कि आप अपनी स्टडी के साथ साथ अपना यहाँ से अपनी जो भी आपके लाइफ के खर्चे हैं, जो भी आपके स्टडी के खर्चे हैं, एक्सपेंसेस, जितने भी आपके एक्सपेंसेस हैं, वो सारे के सारे यहाँ से मैनेज होने लग जाए तो कैसा रहेगा? घर वालों पर डिपेंड ना होना पड़े तो बहुत अच्छा रहेगा। बहुत अच्छा रहेगा। तो थोड़ा सा मैं 20 मिनट का समय लूँगा और इस पर थोड़ा सा फोकस करके सुनिएगा। डॉली जी, मैं आपको बता दूँ कि आज के समय पर इंडिया में दो तरीके के काम चल रहे हैं। पहला काम है ट्रेडिशनल जी, और दूसरा काम यहाँ पे चल रहा है डिजिटल। ठीक है जी, यहाँ पे तो व्यक्ति करता है वर्क और यहाँ पे उसको मिलता है मनी। यहाँ पे इसी ग्राफ में भी व्यक्ति इधर क्या करता है? वर्क, पैसा, और इधर आती है उसको मनी, यानी कि पैसा। लेकिन थोड़ा थोड़ा इन दोनों में डिफरेंट है। डिफरेंट क्या है इन दोनों में? छोटा सा डिफरेंट यह है कि ये ग्राफ तो चलता है इस तरीके से और ये ग्राफ चलता है थोड़ा क्रॉस करके इस तरीके से। अगर इन चीजों को आप समझ गए तो हो सकता है आज आपकी लाइफ में एक ऐसा टर्निंग पॉइंट आ सकता है, यहां से आपकी लाइफ बिल्कुल चेंज हो सकती है। और आज के बाद आपको ये समझ में आ जाएगा कि हम आखिरकार ज्यादा पैसा क्यों नहीं कमा पा रहे हैं, क्यों हम कंफर्ट जोन में जी पा रहे हैं और कैसे हम बड़ा पैसा कमा पाएंगे। पहले ग्राफ पे अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे होता क्या है डॉली जी? जैसे कि आपके पिताजी क्या काम करते हैं? सिक्योरिटी का काम करते हैं। कितने साल से कर रहे हैं? कम से कम हो गए 10-15 साल। आपने देखा होगा यहाँ पे 10-15 साल, बहुत सारे व्यक्ति ऐसे 20 साल से भी काम करें, बहुत सारे 5 साल से भी करें, किसी किसी ने अभी ज्वाइन किया होगा। इसमें होता क्या है, कोई भी जॉब आए जाए, सर्विस जॉब या छोटा मोटा अपना ट्रेडिशनल बिजनेस जो आता है वो इसी में आता है। इसमें क्या होता है कि हम 1 महीने तो काम करेंगे और 1 महीने का प्रॉफिट यानी कि 1 महीने का पैसा हमको मिल जाएगा। नेक्स्ट महीने हम अगले महीने काम करेंगे, अगले महीने का प्रॉफिट हमको मिल जाएगा। नेक्स्ट महीने काम करेंगे, प्रॉफिट मिलेगा, काम करेंगे, प्रॉफिट मिलेगा, काम करेंगे, प्रॉफिट मिलेगा। यही प्रोसेसर आज इंडिया में 90% लोगों के साथ गुजर रहे हैं। बिल्कुल सर। यहाँ पे हम इसे 5 साल का टारगेट मान के चलते हैं। अगर 5 साल कोई भी व्यक्ति ने किसी भी काम को अगर लगातार किया तो उसे काम कर रहा है और उसको प्रॉफिट मिल रहा है। आने वाले 5 साल के बाद किसी भी कारणवश या तो उसे बॉस जॉब से निकाल दे या फिर वो इस जॉब को क्विट कर दे तो उसे आगे आने वाले समय में कितना पैसा मिलेगा? बिल्कुल भी नहीं। क्यों? क्योंकि काम बंद है तो पैसा बंद, जब तक हमारे हाथ पैर चलेंगे तभी तक हमको पैसा मिलेगा। नेक्स्ट में अगर बात करूं वर्क की, ये होता है डिजिटल वर्क, इसे हम मार्केटिंग लाइन भी बोल देते हैं। इसमें होता क्या है कि व्यक्ति पहले महीने काम को सीखता है पहले महीने, तो काम तो उसको होता है 100% मेहनत, लेकिन पैसा जो होता है बिल्कुल ना के बराबर। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई भी काम सही उसे पहले सीखना होता है। अगर आप मोटर मैकेनिक बनना चाहते हैं तो कम से कम 6 महीने से लेकर 2 साल के बीच में आपको समय देना पड़ेगा सीखने में, तब जाके आप किसी भी बाइक को बना पाएंगे। यहाँ पे कोई भी काम होता है वो सीखना पड़ता है। यहाँ पे अगले महीने जैसे ही आप करेंगे तो फर्क क्या रहेगा, अगले महीने मेहनत तो थोड़ी सी हो जाएगी कम क्योंकि आप काम को सीख रहे होंगे और पैसा थोड़ा सा आना शुरू हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। अगले महीने हम काम करेंगे, काम घटेगा पैसा बढ़ेगा, काम घटेगा पैसा बढ़ेगा, काम घटेगा पैसा बढ़ेगा। इसको भी हम 5 साल का टारगेट मान के चलते हैं। मैडम 5 साल हमने इस काम को लगातार किया और 5 साल के बाद अगर ये काम हम बंद कर देते हैं किसी भी कारणवश और पैसा अगर हमारे घर में अनलिमिटेड आए तो कैसा रहेगा? बहुत बढ़िया।
मैं आपकी सिक्योरिटी के लिए मैं पूछना चाहूंगा कि आपकी फैमिली और आपकी सिक्योरिटी के लिए, आप फ्यूचर प्लानिंग के लिए आप कौन से ग्राफ पे मेहनत करना चाहेंगी? सेकंड वाले पे। देखो ये तो क्लियर है कि अगर आपने स्टडी किया है तो घर के झाड़ू पोछा करने के लिए तो क्या नहीं है। आप लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, लाइफ में करना चाहते हैं तो इन्हीं दो ग्राफ पे आप काम करेंगे, या तो जब तक आप काम करेंगे जब तक पैसा मिल जाएगा, या फिर कोई भी एक ऐसी स्किल हम सीख लेंगे, थोड़ा सा पेशेंस हम कर लेंगे, लेकिन आने वाले समय में अगर हम मेहनत ना भी करें तो भी हम पैसा कमा सकते हैं। तो सेकंड वर्क आपको अच्छा लगा? अगर ये आपको अच्छा लगा तो मैं आपसे बात करता हूँ। हम जिस कंपनी में काम करते हैं उस कंपनी का नाम है Renatus Wellness Private Limited। कंपनी 3 जुलाई 2018 से अपने इंडिया में प्रॉपर तरीके से वर्क कर रही है। कंपनी की अगर मैं बात करूं तो 4.5 साल के अंदर कंपनी ने 200 से भी ज्यादा करोड़पति जनरेट किए हैं। अब वो कैसे किए हैं वो मैं अभी आपको बताऊंगा। कंपनी हमें दो चीजें प्रोवाइड करती है, पहला हेल्थ और दूसरा वेल्थ। हेल्थ यानी कि स्वास्थ्य और वेल्थ यानी कि पैसा। आपने कई लोगों के मुंह से सुना होगा पहला सुख निरोगी काया और दूसरा सुख घर में माया। यानी कि पहले अगर हमारी बॉडी अगर स्वस्थ है तो ही हम किसी भी धन का किसी भी पैसे का इस्तेमाल सही तरीके से कर पाएंगे। अगर हमारे पास करोड़ों की संपत्ति पड़ी है, अगर हमारा शरीर स्वस्थ नहीं है, अगर हमारी बॉडी स्वस्थ नहीं है तो हमारा वो पैसा किसी भी काम का नहीं है। यानी कि हम हेल्थ पे अगर बात करें तो कंपनी ने एक प्रोडक्ट बना करके तैयार किया है जिसका नाम है Renatus Nova। ये कोई दवाई नहीं है, एज ए न्यूट्रास्टिकल फूड सप्लीमेंट है, एज इसे हम डाइट बोल सकते हैं ह्यूमन बॉडी के लिए। ये स्वस्थ व्यक्ति को भी खाना चाहिए आज के समय पर, बीमार लोगों को भी खाना चाहिए। क्यों? क्योंकि आज के समय पे ये जो न्यूट्रास्टिकल जो प्रोडक्ट है Renatus Nova, ये बड़े बड़े डॉक्टर्स को भी फेल कर रहा है। ये कोई दवाई नहीं है, कोई न्यूट्रिशन है, बिल्कुल 100% आयुर्वेदिक है, किसी भी तरीके का कोई नुकसान नहीं है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है, कोई आफ्टर इफेक्ट नहीं है। फिर भी अकेला प्रोडक्ट 600 से भी ज्यादा बीमारी को खत्म करने की क्षमता रखता है। ऐसे ऐसे पेशेंट इसने ठीक किया है जहां से किसी भी डॉक्टर के पास उसका कोई इलाज नहीं है। बड़े बड़े डॉक्टर्स जहाँ पे हाथ खड़े कर जाते हैं वहां पे इस Renatus Nova प्रोडक्ट ने रिजल्ट्स दिए हैं। बात करूं Renatus Nova प्रोडक्ट की तो बीपी, शुगर, थायराइड, कैंसर, टेंशन, डिप्रेशन, जोड़ों के दर्द हो, यानी कि बॉडी में होने वाली समथिंग सिर के बाल से लेके पैर के नाखून तक एक्स वाई जेड कोई भी प्रॉब्लम होती है उन सबका सोल्यूशन Renatus Nova के अंदर आपको मिल जाता है। अगर ऐसा प्रोडक्ट आपके पास मिल जाए तो आप काम करना चाहेंगे या नहीं चाहेंगे? बिल्कुल सर चाहेंगे। मैं आपसे अगर एक बात पूछना चाहूंगा कि बिजनेस क्या होता है, आपके अकॉर्डिंग बिजनेस क्या है? खुद का दुकान वगैरह जैसे। बिल्कुल बिल्कुल। बिजनेस क्या होता है, अभी तक हम मान लेते हैं कि ये कोई कंपनी हुई, ये हम हुए और ये ग्राहक हुआ। हम कहीं से कोई भी माल खरीदेंगे, उसमें थोड़ा सा मार्जिन बचाएंगे और आगे ग्राहक को महंगे में बेच देंगे। क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए हमने 5 रुपए का कोई भी सामान खरीदा, यहां से हमको कितने में आया? 5 रुपए में। यहां हमने उसे 8 रुपए का बेच दिया, कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ? 3 रुपए का। इसीलिए हम बिजनेस करते हैं ना, हम कोई प्रोडक्ट बनाते हैं ना कुछ करते हैं। आज तक बिजनेस में यही हो रहा है। आज कपड़ों की दुकान अगर आप खोलेंगे तो कपड़ों की दुकान में क्या होता है, कहीं से वो वही घर तो वो बनाते नहीं है कपड़े, कहीं से वो सस्ते में खरीदते हैं, मार्जिन रख के उसे आगे पहुंचा देते हैं, बचा हुआ प्रॉफिट उसका बिजनेस है। आज कोई भी चीज आप ले लीजिए, कोई भी सप्लीमेंट्स, कोई भी दवाई, क्या आपको लगता है जितने भी मेडिकल स्टोर है वो मेडिकल स्टोर वाले अपने घर पे दवाइयां बनाते हैं? वो करते क्या है, कहीं से कम रेट में खरीदा और ज्यादा रेट में बेचा, बचा हुआ प्रॉफिट अपना क्या है, बिजनेस। तो यहाँ पे जो आपको अपॉर्चुनिटी बताई जा रही है, वो अपॉर्चुनिटी जो आपको बताई जाएगी वो कोई नौकरी नहीं है, कोई जॉब नहीं है, वो कोई काम नहीं है, वो आपका बिजनेस है। तो क्या आप बिजनेस करने के लिए रेडी है? Yes. क्योंकि अगर आपको आपके सपने पूरे करने, तो नौकरी से कभी सपने पूरे नहीं हो सकते। नौकरी से सिर्फ आजीविका चलाई जा सकती है, दाल रोटी खा सकते हैं, आप एंजॉय इतना नहीं कर पाएंगे जितनी आपकी कैपेसिटी है। आप चाहते हैं कि आप 5-स्टार होटल में चले जाएं, नहीं जा सकते। आप चाहे आप विदेश घूम जाए, नहीं जा सकते। और ना ही आज तक कोई मेरे हिसाब से जॉब करने वाला एंजॉय करने के लिए गया होगा। मुश्किल से 1 से 1.5% रिजल्ट हो सकता है, वो अपनी शिफ्टिंग उसकी हो चुकी हो, वो विदेश में जा सकता है, लेकिन अपनी इच्छा के अनुसार वो एंजॉय नहीं कर सकता। इसलिए आपको बिजनेस ही करना पड़ेगा।
बिजनेस के लिए अगर आप रेडी हैं तो मैं वेल्थ पे बात करता हूँ। वेल्थ पे क्या है मैं आपको मैडम बता देता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले अगर हम बिजनेस की बात करें तो रजिस्ट्रेशन जो होता है वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, क्योंकि अगर हमको लीगल तरीके से बिजनेस को ओपन करना है तो हमारे पास उसके सारे सर्टिफिकेट होने चाहिए, कागजी कार्रवाई हमारी होगी, रजिस्ट्रेशन होगा, हमारा आधार कार्ड पैन कार्ड केवाईसी वहां पे होगी और हमारा उस कंपनी में नाम दर्ज होगा कि हम इस कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर है। जैसे मैं बात करूं कि हमको कोका कोला की अगर हमको एजेंसी चाहिए तो कोका कोला कंपनी से हमको बात करनी पड़ेगी, लाखों रुपए का तो उसका एजेंसी लेने का खर्चा आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे आपको एजेंसी मिलती है बिल्कुल फ्री। कितनी फ्री? यानी कि यहाँ पे एक भी रुपया आपका कोई चार्ज नहीं है। तो आप बिजनेस शुरू करना चाहेंगे या नहीं करना चाहेंगे? अब वहां पे क्या करेंगे हम, लाख दो लाख रुपए तो हमारी कागजी कार्यवाही में लगे, उसके बाद हम वहां से पेप्सी कंपनी से काफी बड़ी डिमांड में प्रोडक्ट खरीदेंगे और उसको फिर हम मार्केट में सेल करेंगे। जितना प्रॉफिट बचेगा वो हमारा हमारे पास रहेगा। यहाँ पे भी आपको क्या करना है, जो प्रोडक्ट कंपनी का रहेगा रेनाटस नोवा, आप इस प्रोडक्ट को कंपनी से जब खरीदेंगे तो प्रोडक्ट का तो पैसा आपको देना पड़ेगा। तो रजिस्ट्रेशन बिल्कुल फ्री है। यहाँ पे कंपनी ने चार पैकेज रखे हुए हैं। आप यहाँ पे कंपनी के साथ चार तरीके से ज्वाइन कर सकते हैं। पहला तरीका है 40 प्रोडक्ट से। आपने 40 प्रोडक्ट से अपने इस बिजनेस को स्टार्ट किया तो इसकी कीमत जान ले एक बार। जी बिल्कुल। रेनाटस नोवा प्रोडक्ट अगर कैंसर जैसे समस्या को अगर ठीक कर दे, सोराइसिस जैसी समस्या को ठीक कर दे, पैरालाइज व्यक्ति को भी अगर खड़ा कर दे, तो इस प्रोडक्ट की कीमत का आप अंदाजा लगा सकते हैं। अगर 10,000 भी रखा जाए तो मेरे हिसाब से कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, मार्केट में आराम से चलाया जा सकता है। मुझे आप बता दीजिए कैंसर का इलाज ऐसा कोई 10,000 में कोई आज तक प्रोवाइड करा दे? नहीं, वो भी पूरे नेचुरल तरीके से, कोई दवाई नहीं है, फूड सप्लीमेंट है, फिर भी ये कैंसर तक के पेशेंटों को, बहुत सारे कैंसर पेशेंट को इसने बचाया भी है। अगर मैं 10,000 छोड़ो 5,000 की बात करूं तो 5,000 कोई ज्यादा है? नहीं। 2,000 में तो हम इसे आसानी से प्रमोट कर सकते हैं। अगर 2,000 में ऐसा कोई ट्रीटमेंट मिल रहा है जो सिर के बाल से लेके पैर के नाखून तक पूरी बॉडी को ही सफाई करता है, पूरी बॉडी पे काम करता है, तो कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। लेकिन 2,000 भी नहीं, इसका जो रेट है वो है 1794 रुपए। कितना? 1794। और इसका डीपी रेट है वो है 1300। क्योंकि कोई भी चीज होती है उसके दो ही प्राइस होते हैं, एक मार्केट वैल्यू प्राइस और एक डिस्काउंट प्राइस। यानी डिस्काउंट प्राइस जिसमें हमको मिलता है, मार्केट प्राइस जिसमें हम कस्टमर को इसे प्रोवाइड कराते हैं। 1794 एमआरपी और डीपी 1350। आपको कितने में पड़ेगा ये 1350 के हिसाब से? 40 बोतल अगर आप एक साथ कंपनी से मंगाएंगे तो 1350 इंटू अगर आप 40 करेंगे तो 54,000 रुपए आपका हो जाएंगे। आप मुझे बताइए कि कोई भी बिजनेस ऐसा हो सकता है जो 54,000 में आपका स्टार्ट हो जाए? नहीं। कैसा भी बिजनेस हो बिल्कुल, यानी कि 54,000। अच्छा, सिर्फ 54,000 आपके लगे नहीं, इसी 54,000 जैसे आप प्रोवाइड करेंगे कंपनी को तो कंपनी लगभग इन प्रोडक्ट की जो कीमत होती है वो समथिंग 72,000 रुपए की होती है। 54,000 आपने कंपनी को दिया, कंपनी ने 72,000 का माल दे दिया, किसी भी प्रकार का कोई लॉस होने का डर, किसी भी प्रकार का कोई रिस्क, कोई ज्यादा बड़ा अमाउंट? मेरे हिसाब से 50,000 में आप एक पिंचर लगाने की भी दुकान नहीं खोल सकते, एक चाय का ठेला नहीं खोल सकते। 50,000 में आज के समय पे कुछ भी नहीं होता। यहाँ पे आप 54,000 में अपनी पूरी लाइफ में करियर को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर इतना अमाउंट आपके पास नहीं है तो सेकंड पैकेज है यहाँ पे 18 होटल से। अगर आपने 18 होटल से इस बिजनेस को स्टार्ट किया तो आपको कंपनी को 24,300 रुपए पे करना पड़ेगा, कंपनी आपको समथिंग 32,000 रुपए की एमआरपी का प्रोडक्ट प्रोवाइड कर देगी, ठीक है जी। नेक्स्ट तरीका है तीसरे पैकेज से, आप 10 रेनाटस नोवा का बोतल मंगा के आप इसका इस्तेमाल करके देख सकते हैं कि आप 10-20 लोगों को इसे दे करके देख सकते हैं। तो 10 बोतल का 13,500 हो गया सीधा सीधा, 18,000 का माल आपको कंपनी प्रोवाइड कर देती है। लास्ट एंड फोर्थ पैकेज में रखा है 6 बोतल से, 6 रेनाटस नोवा का बोतल आप मंगाएंगे तो ये आपका 8100 रुपये हो जाएगा, 10,800 रुपये की एमआरपी का आपको ये प्रोडक्ट होता है। इन चार तरीकों से आप अपने बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। मैं तो ये कहूंगा कि अगर आप बड़ा बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो 40 से करें, आपका 6 से भी हम वेलकम करते हैं, कंपनी किसी भी प्रकार से कोई फोर्स नहीं कर सकती है। और मुझे नहीं लगता कि 8,000 में कोई आपका बिजनेस शुरू कर सकते हैं। मेरे हिसाब से 8,000 में आज के समय पे एक साल का कोई ग्रेजुएशन नहीं होता।
लगभग ग्रेजुएशन के लिए भी 50,000 रुपये आप कम से कम मांग के चलिए, किराया भाड़ा टेस्ट वेस्ट जो भी आपके एग्जाम वगैरह टोटल 1,00,000 रुपये से भी ज्यादा उसका खर्चा हो जाता है, राइट। लेकिन यहाँ पे आप मात्र 8,100 रुपये से भी आप अपने बिजनेस को शुरू कर सकते हैं और 54,000 से आप करेंगे तो बहुत बड़ा कर सकते हैं। यहाँ से आपको रजिस्ट्रेशन भी हो गया, आपको आई कार्ड भी कंपनी देगी, वेलकम लेटर भी देगी जिसे आप मंडवा के अपने सर्टिफिकेट के तौर पे रख सकते हैं, प्लस में कंपनी आपको यहाँ से बिजनेस शुरू करने के मौके देती है। जैसे यहाँ से स्टार्ट हो जाते हैं, अब बात करते हैं हम इनकम की, कि इनकम कैसे होगा, इनकम कैसे होगा, पैसा कमाने के लिए आए हैं जी। छोटा सा मैं आपको तरीका बताता हूँ मैडम। पहला इसमें जो इनकम होता है वो होता है रिटेल प्रॉफिट। रिटेल प्रॉफिट में क्या है, इसकी कीमत कितनी है, 1,800 रुपए। हमको कितने में मिलता है ये, 1,350। आपको अगर ये वाकई में जो चीज मैंने आपको बताई है अगर ये रिजल्ट्स ऐसी प्रकार से प्रोडक्ट दे तो आप इस प्रोडक्ट के लिए कितने घंटे काम करना शुरू करेंगे, 8 से 10 घंटे। तो व्यक्ति कम से कम जॉब भी करता है, बिल्कुल 8 घंटे छोड़ो आप मैडम 6 घंटे काम कर सकते हैं, बिल्कुल 4 घंटे काम कर सकते हैं। अगर 4 घंटे भी अगर आप ईमानदारी से मेहनत करते हैं तो यहाँ से आप कितना पैसा कमा सकते हैं देख लिया जाए जी, बिल्कुल। एक प्रोडक्ट पे प्रॉफिट कितना बचता है हमको, 450 रुपए। 1,800 का हम देते हैं, 1,350 का पड़ता है, यही हमारा बिजनेस है। 450 रुपए एक प्रोडक्ट पे हमको बच जाता है। अभी मैं आपसे कहना चाहूंगा कि अगर आपको ये पता चल जाए कि एक ही प्रोडक्ट से 450 बचेगा तो आप 2-4 मॉडल डेली निकालेंगे, ज्यादा निकालने की कोशिश करेंगे, ज्यादा निकालने की कोशिश करेंगे। डेली आप कितने लोगों से चर्चा कर सकते हैं, कम से कम 10-20 लोगों से तो आराम से कर लेंगे। 10-15 लोगों से अगर आपने चर्चा किया और उनको अगर ये पता लग जाए कि ये अकेला प्रोडक्ट हमारी समस्या को ठीक कर सकता है तो 10 में से कितने लोग ऐसे होंगे जो अपनी बीमारी को ठीक करना चाहेंगे, 4 से 5 लोग। 4 से 5 आराम से होंगे, 4 से 5 छोड़ो 3 तो आराम से ले लेंगे। क्या ऐसा हो सकता है कि 10 लोगों से आप बात करो, 10 लोगों को आप ये समझाएं कि इससे आप ठीक हो सकते हो, मात्र 2 लोग भी ना ले, बिल्कुल ले सकते, 2 तो आराम से कम से कम लेंगे। एक प्रोडक्ट पे प्रॉफिट कितना है हमारा, 450, 2 पे कितना हो गया, 900। अगर 900 रुपए हम पर डे का कमाना शुरू कर दें, महीने में दिन कितने होते हैं, 23, कितना इनकम हो जाता है महीने का, 27,000। आप किसी भी जॉब, किसी भी प्रोफेशन या फिर किसी भी बिजनेस से पहले महीने में इतना अर्निंग निकालने की कभी सोच सकते हैं, नहीं, कहीं भी कैसा भी कोई माध्यम नहीं। जितना पैसा आपका लगा वो पैसा भी निकल गया, प्लस में प्रॉफिट 27,000 महीने का हो गया। जो 27,000 प्रॉफिट मात्र कब है, जब आपका डेली 2 होटल सेल हो रहा है, बिल्कुल। कभी ऐसा भी तो होगा 10 में से कभी 3 लोग मानेंगे, कभी 5 लोग भी लेंगे, तो ये आपका इनकम है वो बढ़ेगा या घटेगा, बढ़ेगा। अच्छा, जब ये लोग ठीक होना शुरू हो जाएंगे, जब ये लोग ठीक होना शुरू हो जाएंगे तो क्या ये अकेले आएंगे या 2-4 लोगों को साथ में लेके आएंगे, 2-4 लोगों को। तो इस बिजनेस में जो आपकी इनकम है रिटेल प्रॉफिट, ये बहुत बड़े पैमाने पे आपको आने वाली है अगर आप ईमानदारी से मेहनत करें तो। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूंगा मैडम। बिजनेस अभी तक यही होता है जी, बिजनेस में हम अभी तक क्या करते हैं, ये मैंने मार्कर 5 रुपए का खरीदा और 10 रुपए में बेच दिया, यानी कि ये मैंने बनाया नहीं, नहीं। किसी से 5 रुपए में खरीदा, मार्केट में रखा, अपनी दुकान पे रखा, अपने शॉप में अपने पास रखा, कुछ दिन के बाद कोई ग्राहक आता है और इसे मैं 10 रुपए का सेल कर देता हूँ, कितने रुपए बचे, 5 रुपए। यही आपको करना है, 1,350 में आपको ये प्रोडक्ट खरीद के रखना है, किसी को अगर देना है तो 1,800 में देना है, 450 का प्रॉफिट आपको बचेगा। क्या इसके अलावा कोई बिजनेस ऐसा है जो इनकम देता हो, लेकिन मैं आपको बता दूं एक इनकम होती है जिसमें क्या होता है कि लोग काम करते हैं और हमको पैसा आता है, ये इनकम किनको मिलती है, जैसे इस इनकम को हम बोला जाता है यहाँ पे टर्नओवर बोनस। इसमें क्या होता है, लोग हमारे साथ काम करते हैं तो जितने भी लोग हमारे नीचे काम करेंगे उतना पैसा हमको मिलेगा। ये इनकम इंडिया में सिर्फ 5% लोगों को ही मिलती है। वो क्यों मिलती है, अगर इस इनकम को हमको लेना है तो हमको कंपनी का मालिक बनना पड़ेगा। आपके पास अगर 10-20 करोड़ रुपए हैं तो आप 10-20 करोड़ रुपए उठा करके एक फैक्ट्री बनाइए, उस फैक्ट्री में कुछ लोगों को काम पे रखिए, और उस काम पे रखने के बाद जब वो लोग काम करेंगे 10,000 में, कोई 8,000 में, कोई 20,000 में लोग काम करेंगे और आपको यहाँ से पैसा मिलता रहेगा, ऐसा ही होता है। लेकिन यहाँ पे आप 54,000 लगा रहे हैं, मुझे तो लगता नहीं 54,000 में आप मालिक बन सकते हैं, मुझे तो लगता नहीं कि 54,000 में आपने तो बिजनेस शुरू कर लिया, आप किसी को भी करा सकते हैं।
भाई अगर पेप्सी कोला की कंपनी का अगर डिस्ट्रीब्यूशनशिप मेरे पास है तो उसे मैं ही चला सकता हूँ, ऐसा थोड़ी कि मैं किसी को दे सकता हूँ। अगर आपको लेनी तो कहाँ पे जाना पड़ेगा, कंपनी के पास। लेकिन कंपनी यहाँ से पहली बार में ही आपको मालिक बनने का मौका देती है, आप चाहे तो आप यहाँ पे किसी को भी डिस्ट्रीब्यूशनशिप दिला सकती है, बहुत बड़े पैमाने पर इनकम आप कमा सकते हैं। वो कैसे, मैं अभी आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लीजिए एग्जांपल से मैं आपको समझाऊं, तो यहाँ पे आपने किसी भी व्यक्ति को प्रोडक्ट यूज कराया, जैसे मान लीजिए आपने चाचा जी को आपने इस प्रोडक्ट को यूज कराया, कितने में दिया आपने, 1800 में, कितने रुपए बचाए, 450 रुपए। अगले महीने फिर वो लेने आएंगे जी, कितने रुपए बचेंगे, 450। फिर अगले महीने लेने आएंगे जी, कितने बचेंगे, यानी कि हर बार अपने चाचा जी से आप कितने बचा रहे हो, कितने पैसे बचा रहे हो, 450 रुपए। अगर चाचा जी ने गलती से पूछ लिया, देखो रिजल्ट तो उनको आ चुका, जब भी वो डबल डिमांड करें, जब भी वो बार बार लेने आ रहे हैं। अच्छा चाचा जी अगर इससे संतुष्ट हैं तो वो एक आध महीने खाएंगे या हमेशा के लिए खाएंगे, हमेशा के लिए खाएंगे। हमेशा के लिए कितने का प्रोडक्ट पड़ रहा है उनको, 1800। आपको कितना बच रहा है हर बार, 450। लेकिन यहाँ पे चाचा जी पूछने लगे कि डॉली मैम आजकल आप इस प्रोडक्ट को बेचते हैं, आपको कुछ बचता है क्या, तो आप बता देंगे कि हर बार मैं 450 रुपए बचाती हूँ आपसे चाचा जी, बिल्कुल नहीं बताएंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे अगर आपने बता दी तो आपका प्रॉफिट खत्म है। अच्छा अगर चाचा जी को अच्छा लगा तो चाचा जी लोगों को बताना शुरू करेंगे। अगर कोई यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशनशिप लेना चाहे तो, अगर कहीं से भी कोई लेना चाहे तो आपको कुछ हक है उनसे लेने का, क्योंकि मेहनत तो वो कर रहे हैं, आप नहीं कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे कंपनी क्या कहते हैं कि अगर उससे आप डिस्ट्रीब्यूशनशिप दिलाते हैं, और डिस्ट्रीब्यूशनशिप दिलाने में कितना खर्चा लगता है अपने यहाँ पे, एक भी रुपए का कोई चार्ज नहीं है, रजिस्ट्रेशन फ्री होगा, आईडी पासवर्ड अलग से मिलेगा, आई कार्ड अलग से मिलेगा, विजिटिंग कार्ड अलग से मिलेगा, वेलकम लेटर अलग से मिलेगा, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको क्या कहना है चाचा जी से कि चाचा जी आप 1800 रुपए मुझे हर बार देके जाते हैं, मैं मेरे को यहाँ पे क्या है कि अगर मैं यहाँ पे काम करती हूँ तो कुछ प्रॉफिट होता है, मैं थोड़ा सा उसके बारे में शेयर करती हूँ, तो आपको उस व्यक्ति को इस तरीके से बिजनेस प्लान को शो कर देना है। जब आप उन्हें बताएंगे कि 6 महीने तक अगर आप खाएंगे तो कितना पैसा देंगे आप मुझे, 10,800। अगर आप कंपनी से इकट्ठा 6 बोतल मंगा लेंगे तो कितने के पड़ जाएंगे आपको, 1100। तो आप 2500 रुपए कम से कम अपना बचा सकते हैं। और अगर चाचा जी को ये पता लगा कि 2500 रुपए मेरे बच सकते हैं, तो चाचा जी एक एक करके 1800 का लेंगे या इकट्ठा 6 बोतल लेना चाहेंगे, ले लेंगे। अच्छा ऐसा एक ही पेशेंट होगा या 10-20 पेशेंट होंगे आपके साथ, और भी होंगे। तो मान लीजिए आपने यहाँ पे अपने बिजनेस को शुरू किया, यहाँ पे आपने 10-20 लोगों को बताया कि सर आप इकट्ठा 6 बोतल या 10 बोतल ले लीजिए, आप यहाँ पे पैसा कमा सकते हैं, 1350 का पड़ेगा और आप 1800 का सेल कर सकते हैं, रिजल्ट उनको आ चुका है। अब व्यक्ति 6 से स्टार्ट करेगा या फिर ज्यादा से भी कर सकता है, ज्यादा से भी कोई 18 से भी करेगा, उनको अगर पैसे कमाने तो वो 40 से भी करेंगे, कोई कहीं से भी कर सकता है, कंपनी का किसी भी तरीके से फोर्स नहीं है। तो जितने भी लोग आप यहाँ पे लगाएंगे, कंपनी का सॉफ्टवेयर उनको 2 हिस्सों में डिवाइड कर देगा, एक तो होगा टीम 1 और एक होगा टीम 2। यहाँ पे मान लीजिए आपने कुछ लोगों का नेटवर्क बनाया और यहाँ पे कंपनी के सॉफ्टवेयर ने उसको इस तरीके से डिवाइड कर दिया। अब 10-20 लोगों ने क्या किया, जब रिजल्ट इनको आया, अब ये लोगों को शेयर करेंगे प्रोडक्ट, कितने पैसे बचाएंगे हर कोई व्यक्ति एक प्रोडक्ट से, 450 रुपए। जब 450 रुपए हर प्रोडक्ट से बचाएंगे तो ये ज्यादा सेल कर रहे होंगे या कम, पर डे कितना सेल कर रहे होंगे, कोई 2 कर रहा होगा, कोई 4, कोई 6, कोई 10 जी। कंपनी क्या कहती है कि इनको किसने दिलाया है डिस्ट्रीब्यूशनशिप, आपने। तो कंपनी इनके टर्नओवर का आपको 10% से 16% कमीशन अलग से देगी, कितना, 10% से 16%। मान लीजिए टीम 1 के लोगों ने 1,00,000 रुपए का माल खरीदा और टीम 2 के लोगों ने 1,50,000 रुपए का माल खरीदा, ठीक है जी, टीम 1 में 1,00,000 और टीम 2 में 1,50,000, तो कंपनी 1,00,000 से 1,00,000 मैच कर देगी। अगर ये जो 50,000 जो आपका बचा हुआ है ये हमेशा के लिए कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, कटेगा नहीं, जब आपका इधर की टीम खरीद लेगी तो मैच हो जाएगा, तो फिर से आपको 10 से 16% कमीशन मिल जाएगा। ये कमीशन कैसे मिलेगा 10 से 16%, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप 10% लेना चाहते हैं या 16%। मैं आपसे छोटी सी चीज जानना चाहूंगा मैडम, अगर आपने 40 बोतल से यहाँ पे स्टार्ट करोगे
तो यहाँ पे आपको कमीशन मिलेगा 16%। यहां से अगर स्टार्ट करोगे तो 14% मिलेगा, यहां से स्टार्ट करोगे तो 12%। और मात्र सबसे छोटा पैकेज यानी कि मात्र आपने 6 बोतल से स्टार्ट किया तो भी कंपनी आपको 10% कमीशन जिंदगी भर देगी, लाइफ टाइम, मरते दम तक। अब आपको ये पता है कि ये लोग जितने भी मेरे नीचे ज्यादा होंगे, जितना भी काम करेंगे मरते दम तक मेरे को 10% से 16% कमीशन आएगा, तो क्या ये इनको बात अच्छी नहीं लगती? ये लोग भी नेटवर्क बनाना चाहेंगे या नहीं बनाना चाहेंगे जी? बिल्कुल चाहेंगे। तो ये नेटवर्क आपका घटेगा या बढ़ेगा? बढ़ेगा। तो एक बढ़ते बढ़ते एक दिन इतना हो जाता है कि आप इसे गिनना भी मुश्किल हो जाता है, आप इन्हें गिन भी नहीं पाएंगे। तो कंपनी क्या कहती है कि इस पे मैं कैपिंग लगा देती हूँ। देखो हमेशा के लिए ऐसा तो है नहीं मैं अनलिमिटेड पैसा आपको दे दूँ। कंपनी का जो कैपिंग है वो है 21 लाख रुपए पर वीक, यानी कि यहाँ पे महीने भर वेट नहीं करना पड़ता। रेनाटस वेलनेस कंपनी आपको हर 7वें दिन इनकम आपके अकाउंट में पहुंचा देती है। और 84 लाख रुपए पर महीने का आप यहाँ से कमा सकते हैं। यहाँ से एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। 1 लाख से 1 लाख टर्नओवर मैच हुआ, अगर आपने स्टार्ट किया है ऐसे 16% से, तो 1 लाख का 16% कितना होता है जी? 16,000 रुपए सीधे आपके अकाउंट में कंपनी ट्रांसफर कर देगी। अगर इसी काम को आपने 18 बुटल से स्टार्ट किया है तो 14% मिलेगा, तो 1 लाख का 14% कितना होता है जी? 14,000 रुपए सीधे कंपनी आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर देगी। 12% से स्टार्ट किया तो, और 10% से स्टार्ट किया तो, यहाँ पे अगर आप 16% से करेंगे 16,000 मिलेगा, 10 से करेंगे तो 10 से मिलेगा। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आप कौन सा परसेंट से स्टार्ट करना चाहेंगे, या फिर आप कितना परसेंट कमीशन लेना चाहते हैं, 10% या 16%? 16% के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? यानी कि बड़े लेवल से, यानी कि बड़ा पैसा कमाना है तो बड़ी सोच आपको हमेशा रखनी पड़ेगी। आप किसी भी करोड़पति से जाके पूछेंगे, किसी भी कंपनी के मालिक से जाके पूछेंगे, उसकी एजुकेशन बड़ी नहीं होती, उसकी सिर्फ एक ही चीज बड़ी होती है, वो होती है सोच। जिस व्यक्ति की सोच बड़ी है उस व्यक्ति का बिजनेस बड़ा है, और जिस व्यक्ति का बिजनेस बड़ा है उस व्यक्ति की इनकम बड़ी है। तो अगर आप ज्यादा बड़ा इनकम लेना चाहते हैं तो आपको बड़े पैकेज से स्टार्ट करना पड़ेगा। और मुझे नहीं लगता कि 54,000 में आप कोई भी कारोबार ओपन कर सकते हैं। इसमें भी आपको 72,000 रुपए का माल आपको कंपनी प्रोवाइड कर देती है। क्या ये इनकम कभी आपने देखी है? लेकिन यहाँ पे आप मालिक जैसे आप काम कर सकते हैं। आप चाहे तो 1 लाख लोगों का भी नेटवर्क आप यहाँ पे बना सकते हैं और अपनी टीम में काम जितने भी लोग जब जब भी ये प्रोडक्ट सेल करेंगे, बेचेंगे, खरीदेंगे, कुछ भी करेंगे, टीम बनाएंगे, लोगों को ज्वाइन कराएंगे, आपको 10% से 16% कमीशन मिलता रहेगा। कैसा लगा जी? कभी देखिए किसी भी बिजनेस में ये इनकम नहीं? अगर तीसरी इनकम और मिल जाए आपको तो कैसा रहेगा? काम कर सकते हैं फिर अच्छे तरीके से। तीसरी इनकम क्या है मैडम, वो थोड़ा सा अगर आप ध्यान से देखेंगे तो शायद आप समझ जाए, और हो सकता है अगर वो चीज आपको समझ में आ गई तो बहुत अच्छी चीज है। मेरे को वो इनकम बहुत अच्छी लगती है। अगर आप यहाँ पे जितने भी आपके खर्चे हैं ना, वो अकेली इनकम आपके वो मैनेज करा देगी। मैं बात करूं यहाँ पे, तीसरी इनकम है टीम डेवलपमेंट बोनस। यानी कि आपको एक क्लियर पता है कि जितने ज्यादा लोग आपकी टीम में होंगे और जितना ज्यादा सेल जाएगी उतना ज्यादा आपको कमीशन आएगा। तो आप ये ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताना चाहेंगे या कम से कम? ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास जब आप जाएंगे तो आपका खर्चा होगा, गाड़ी का डीजल, बाइक का पेट्रोल, अपना मोबाइल का खर्चा, आपके किराए भाड़े का खर्चा, खाने पीने का, कॉफी शॉप पे बैठे तो कॉफी का खर्चा हो जाएगा, खाने पीने, जो भी आपके खर्चे हैं वो कहाँ से जाएंगे? अभी तक आपकी जेब से? आप पे करेंगे या पड़ोसी पे करेगा? आपको ही करना पड़ेगा। अगर ये खर्चे भी अगर आपको कंपनी प्रोवाइड करने लग जाए तो कैसा रहेगा? बहुत बढ़िया। लेकिन कंपनी उसी के खर्चे प्रोवाइड करती है जिस व्यक्ति का खर्चा होता है। अब व्यक्ति का खर्चा हो रहा है, जैसे मान लीजिए आप डेली फील्ड में जा रहे हैं, डेली लोगों को बता रहे, कभी मामा के यहाँ गए, कभी फूफा जी के यहाँ गए, कभी फ्रेंड के यहाँ गए, कभी अनजान लोगों के पास गए, आप इस बिजनेस को बताने जाएंगे तो कुछ लोग हाँ करेंगे, कुछ लोग ना करेंगे। आप यहाँ पे
काम कर रहे हैं और आपकी टीम भी बन रही होगी जी, जब आपके फील्ड हो रहे हैं, खर्चे हो रहे हैं, मीटिंग हो रही है, तो टीम बनेगी या नहीं बनेगी? बिल्कुल बनेगी। 10-20 लोगों का भी आपका टीम बनता है, पूरी टीम से मिल करके। अगर 32 रेनाटसनोवा का बोटल टीम वन में और 32 रेनाटसनोवा का बोटल टीम टू में सेल होना शुरू हो जाता है पूरे हफ्ते में, अकेले नहीं पूरी टीम के साथ मिलके, तो कंपनी आपको 2 रेनाटसनोवा का प्रोडक्ट जो है वो अपनी तरफ से गिफ्ट करती है। एक प्रोडक्ट का कीमत कितना था जी? 1700 पड़ता है, कितने में है? 1350। यानी कि मैं 1800 मान लेता हूँ, सीधा सीधा 1800 रुपए एक प्रोडक्ट का कीमत है। और गिफ्ट कितने मिल रहे हैं आपको? 2 × 1800 करना एक बार, 3600। लगभग 3600 रुपए का प्रोडक्ट आपको कंपनी एक हफ्ते में गिफ्ट कर देती है। महीने में हफ्ते कितने होते हैं जी? 14400 रुपए का प्रोडक्ट कंपनी आपको गिफ्ट कर देगी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। मेरे हिसाब से 14500 रुपए आज के समय पे किसी की नौकरी नहीं लग पा रही है। लोग 8-10 हज़ार में पूरे महीने भर यहाँ पे काम करते हैं, लेकिन कंपनी क्या करेगी, जो 32-32 बोतल का ये मैच होगा, सिर्फ आपको गिफ्ट नहीं मिलेगा, प्लस में आपको ये इनकम भी मिलेगी, 10-16% कमीशन सीधे आपके अकाउंट में, और आपको ये प्रोडक्ट भी गिफ्ट मिलेंगे, और आप अपना यहाँ पे खर्चा आराम से मैनेज कर सकते हो। कैसा लगा जी? कर सकते हैं जी। कोई दिक्कत नहीं, बिजनेस करना चाहिए बिल्कुल, किसी भी तरीके का कोई लॉस नहीं, कभी इनकम देखे ऐसे कि हमारे खर्चों को भी मैनेज करे कोई कंपनी नहीं, तो कभी ऐसा कोई बिजनेस देगा जो बिजनेस खर्चों को अलग से प्रोवाइड करे नहीं। लेकिन यहाँ पे आपको सिर्फ 3 इनकम नहीं, चौथी इनकम भी आपको मिलती है। वो चौथी इनकम कैसे मिलती है वो मैं अभी आपको बता देता हूँ, जिसका नाम है जनरेशन। जनरेशन इनकम में क्या रखा हुआ है, ये जो आपके नीचे जो टीम है भाई, जब ये काम कर रहे हैं तो ये पैसे तो कमा रहे होंगे जी, यस या नो? यस। ये जितने भी लोग हैं आपके मिलके, चाहे वो 10 लोग हैं, चाहे वो 50 हैं, चाहे वो 500 हैं, चाहे वो 1000 हैं, चाहे वो अनलिमिटेड कितने भी व्यक्ति हैं, वो यहाँ से जितना भी पैसा कमाएंगे, जितना भी पैसा यहाँ से वो कमाएंगे, वो यहाँ पे जितना भी अर्निंग करेंगे, चाहे वो 10,000 करें, चाहे वो 5,000 करें, चाहे वो 1 रुपया करें, चाहे वो 10 रुपया करें, चाहे वो 50 रुपया करें, जितना भी पैसा कमाएंगे, उन सब की 10% इनकम का कमीशन आपको मिलता है। यानी कि लोग जो काम करेंगे और वो यहाँ से जितना पैसा कमाएंगे, उस कमाई का पैसा जो रहेगा उनका, उस कमाई का भी आपको 10% कमीशन अलग से मिलेगा। कभी सोचा है? आप मान लीजिए ट्रेडिशनल में कोई भी बिजनेस ओपन करें और किसी का वो करा दें, आप जितना सेल करेंगे आपको मिल सकता है क्या? उसकी सेल का मिल सकता है क्या? वो अपने घर में जितना पैसा कमा रहा है, जितनी इनकम वो कमा रहा है, क्या उसका इनकम का आपको कमीशन मिल सकता है? लेकिन यहाँ पे आपको वो भी प्रोवाइड होता है। नेक्स्ट इनकम मैं आपको बता देता हूँ, पांचवी इनकम भी कंपनी आपको प्रोवाइड करती है, सिर्फ यहीं पे आपको नहीं छोड़ती है, आपको और भी इनकम्स प्रोवाइड करा देती है कंपनी। वो प्रोवाइड कैसे कराती है मैं आपको बता देता हूँ। पांचवी इनकम है इसमें रिट्रीट। रिट्रीट इनकम में क्या रखा हुआ है, आपकी ये जो टीम है, जब आपको पता है कि एक महीने में 14500 रुपए का प्रोडक्ट आपको गिफ्ट मिल रहा है, तो क्या ये इनको मिलेगा या नहीं मिलेगा नीचे वाले लोगों को? तो ये गिफ्ट इसे अचीव करना चाहेंगे या नहीं करना चाहेंगे? मान लीजिए 4-5 लोगों ने इधर से अचीव किया और 4-5 लोगों ने इधर से अचीव किया, तो ये बिजनेस बढ़ेगा या घटेगा? मान लीजिए ये बिजनेस ज्यादा नहीं, 200-250 बोतल नहीं, मात्र 125 बोतल का भी जाना शुरू हो जाए, कितना? 125 का टीम 1 से गया, 125 का टीम 2 से गया, तो कंपनी आपको ये जनरेशन इनकम प्रोवाइड कर देती है जिसमें 10% कमीशन मिलेगा। अगर ये पूरा हफ्ते में नहीं, पूरा 3 महीने के अंदर 200 बोतल टीम 1 में और 200 बोतल टीम 2 में मिलके चला जाएगा, कितना? 200 बोतल टीम 1 में और 200 बोतल टीम 2 में 3 महीने में, कोई ज्यादा बड़ी बात है? एक कैलकुलेशन मैं आपको दिखा देता हूं। जब आप काम करेंगे, देखो 5-स्टार होटल में घूमता कौन है, रिट्रीट इनकम में आपको कंपनी 5-स्टार होटल में एंजॉय कराती है। रिट्रीट इनकम में अगर आपको 5-स्टार होटल में एंजॉय कराना है, तो आप नॉर्मल व्यक्ति तो रहेंगे नहीं,
आपकी टीम भी होगी, आप एक लीडर बन चुके होंगे, जब आपके अंदर कुछ क्वालिटी होगी तभी तो आप फाइव स्टार होटल में घूम रहे होंगे। अगर आपकी टीम बनी हुई है, इस टीम में से मैं कुछ ही नहीं कहूंगा, क्या दो लोग ऐसे हो सकते हैं जो डेली सुबह जाए, सुबह से शाम तक काम करे और डेली दो रेनेटस नोवा का बोतल बेच के आए और 900 रुपए बचाए? कम से कम पूरी टीम से दो व्यक्ति तो हो सकते हैं। 3 महीने में दिन कितने होते हैं जी? 90। दो व्यक्ति टीम वन से आए, दो व्यक्ति टीम टू से आए, ऐसे ही है जी। 90 दिन होते हैं। 90 दिन में अगर एक व्यक्ति 2 बोतल डेली सेल कर रहा है तो अकेला व्यक्ति कितना बोतल सेल करेगा? 180। दूसरा व्यक्ति कितना करेगा जी? टोटल कितना होता रहता है? 360 इधर और 360। कब होता है इतना? मात्र दो व्यक्ति आपको ऐसे मिले जो डेली एक बोतल सेल कर रहे हैं, दो बोतल सेल कर रहे हैं, 3 बोतल सेल कर रहे हैं, तब आपका इतना हो जाता है। डेली अगर दो व्यक्ति ऐसे मिल जाए जो टारगेट बना के काम कर लें, टारगेट पे इतना काम कर लें कि उनको 2 बोतल डेली सेल करनी है, दो व्यक्ति आराम से निकाल सकते हैं। अगर इतना आपने निकाले तो 3 महीने में कितना बोतल सेल हुआ? 360 भी नहीं हुआ, मैं तो मान रहा हूँ 300 तो हो सकता है जी। 300 भी नहीं हुआ, 250 तो हो सकता है जी। 250 भी नहीं हुआ, 200 तो हो सकता है जी। इतना तो मैं ये कहूंगा कि कुछ भी नहीं हुआ, आप आए और आपकी टीम वन और टीम टू में एक एक व्यक्ति ऐसा आया जो डेली 2 बोतल सेल कर रहा है, दो दो व्यक्ति नहीं आए, तो अकेले ने कितना सेल कर दिया जी? क्या आप पे 20 बोतल सेल नहीं होंगी 3 महीने में? हो गया 200 बोतल। कोई ज्यादा बड़ा टारगेट है? मैं आपसे सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि अगर 200 बोतल भी आपका पूरे 3 महीने में पूरी टीम के माध्यम से होता है तो आपका ये रिट्रीट क्लियर हो जाता है। 5 स्टार होटल में आप एंजॉय करते हैं, मैं भी एंजॉय करता हूं, जैसे कि आप देख पा रहे हैं बहुत सारे होटलों में मैं गया कंपनी की तरफ से, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट खाना पीना रहना ट्रेनिंग मीटिंग प्रोग्राम हर एक चीज बिल्कुल फ्री होती है और वहां पे एक आपको ट्रेनिंग दी जाती है। उस ट्रेनिंग का ये पावर होता है कि अगर आपने वो ट्रेनिंग पूरे डायरी पेन और दिल दिमाग के साथ अगर सुन ली तो आपके बिजनेस को 5 गुना ज्यादा आसानी से पहुंचाया जा सकता है। बड़े बड़े ऐसा नहीं कि आपको कोई लीडर्स बोलते हैं, बड़े बड़े मोटिवेशनल स्पीकर्स को कंपनी बुलाती है जो कि आपको ट्रेनिंग देते हैं कि कैसे आप अपने बिजनेस को आगे बढ़ाएंगे। बड़े बड़े स्पीकर्स आपको ऐसे ट्रेंड करते हैं कि आपका बिजनेस कैसे ग्रोथ तक जाएगा। तो ये सारी चीज़ें कंपनी आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करती है। 5 स्टार होटल की अगर मैं बात करूँ तो पर डे का खर्चा वहाँ पे 25 से 30 हज़ार का हो जाता है। कितना जी? 25 से 30। 2 दिन का कितना हो गया? 60 हज़ार हो गया। 50 से 60 हज़ार आराम से हो जाता है। आपने बिजनेस को स्टार्ट करने में कितना पैसा लगाया था जी? 14,000। आज 2 दिन में ही एंजॉय कितने का कर रहे हैं आप? 50 से 60। क्या कभी ये सोचा है? नहीं। आप किसी भी बिजनेस में 2 करोड़ रुपए लगा दीजिए और 2 करोड़ रुपए लगाने के बाद भी वो लॉस में जा सकता है, लेकिन आप घूमने का कभी सपना नहीं देख सकते, घर से भी और पैसा लगाना पड़ेगा 2-4 साल। तो बिजनेस बहुत बढ़िया है। अभी मैंने इनकम आपको बताई है 5, अगली लगभग 4 इनकम 5 इनकम और है, टोटल 10 तरीके से कंपनी इनकम देती है। आप अगर करना चाहें तो आपका भविष्य बिल्कुल सेफ है, प्रोडक्ट बहुत अच्छा है। अगर आपका ये डाउट है कि ये प्रोडक्ट काम करता है या नहीं करता है तो आप अपना मोबाइल निकालिए और मोबाइल में या तो आपके पास गूगल होगा या यूट्यूब होगा या फेसबुक होगा, उस पर सिर्फ इतना सर्च कर दीजिए, बीमारी मुक्त भारत मिशन। ये मेरा चैनल है, इसमें मैंने कुछ रिजल्ट्स ऐसे डाले हुए हैं जो कि रेनाटस नोवा ने यहाँ पे दिए हुए हैं, तो आप इसके माध्यम से चेक कर सकते हैं कि कितने रिजल्ट्स यहाँ पे आ रहे हैं।